तो ये था हमारा होटल और अभी हम सब लोग रेडी हो चुके हैं, निकलने लगे हैं आगे की तरफ। फिलहाल मैं और हमजा बाहर नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं और ये आप सीन चेक करें क्या सीन है। और मज़े की बात, ज़रा डस्ट नहीं है क्योंकि डस्ट यहाँ पर होती ही नहीं। और इसी तरह से व्लॉग को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। तो आपका भाई इस वक्त इंजॉय करने जा रहा है हमजा के साथ बाहर नाश्ता, ठीक है। और ये था हमारा रेस्टोरेंट मून राइज होटल, बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट था, बहुत ही साफ़ सुथरा था, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, वॉशरूम वगैरह एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। तो आपको दिखाते हैं हम नाश्ता क्या करते हैं। तो हमजा को बहुत भूख लगी हुई थी, मैंने तो सिर्फ चाय पी है, मेरा इतना ख़ास दिल नहीं था चाय पीने। तो आपको माहौल दिखाते हैं, टेम्परेचर बस ठीक है, इतनी सर्दी नहीं है। ये मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि हमने झील सैफुल मलूक जाना है तो वहाँ पर ना थोड़ी सी सर्दी होती है। आए हाय हाय, दुनिया वाली कड़ी गल है, मैं नहीं शाय करता। और अन्ना मालवाया पाइन रहा है, ये देखें टूरिस्ट जा रहे हैं और भी आ रहे हैं बेटा, खबर करो अगले महीने। हमजा लोग वैसे ना बाइक्स पे आते हैं, दो दो दिन लगा के, कसम से इनकी हिम्मत है। मैं गाड़ी में आया हूँ तो कसम से मैंने सोचा इसे आगे जाना ही नहीं है। तो लेकिन रेस्ट की है, बेडरूम भी काफ़ी कंफर्टेबल था, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो अभी बिल्कुल ना बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ। तो अभी हमजा का नाश्ता करने का दिल है, तो हमजा अभी मेरा कैमरा मैन बन चुका है। किधर जा रहा, किधर नीचे से हुआ है वो, जिधर सब लोग बैठे हुए थे, काफी दूर तो नहीं है ये जो है। अभी आपको हम एक बहुत मजेदार सी चीज दिखाते हैं, क्योंकि हमारा जो होटल था ना ज्यादा दूर नहीं था, सीन के बिल्कुल ही पास था। तो आते रहिए और चलते रहिए, बल्कि आपको चलने की जरूरत ही नहीं, आराम से बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली वी जस्ट स्लेप्ट 4 AM और अभी तक नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि हमें बहुत जल्दी जगा दिया गया है। और बाकी सब लोग तो सोए हुए थे, मैं और हमजा सारी रात जागे रहे हैं। और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, हम माशाल्लाह इतनी प्यारी, और तुम्हें जो वीडियो भेजी है लगा देना ना इस पे, इतने प्यारे सीन थे, हम सोए नहीं हैं, हम इधर इंजॉय करते हैं। ये मून पार्किंग इधर थी, तो इधर एक छोटा सा झूला लगा हुआ था, स्लाइड वगैरह, तो वो क्या कहते हैं उसे, वो जो बच्चे ले रहे हैं कि वो झूला ले रहे हैं, स्विंग, एक्चुअली दैट वाज स्विंग। अच्छा, ये स्विंग्स हम ले रहे थे और बारिश हो रही थी, सिर्फ मैं और हमजा थे साथ, और हमजा कारी सब ला रही हैं कारी सब ला वो। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। यहाँ पे लड़की को शर्ट सूट लग गई है, यहाँ पे वो वक्री गाल होती है। अच्छा। कि अगर किसी को टक्कर लग जाए तो थप्पड़ थुप्पड़ लग जाते हैं, वो तो किसी को भी गुस्सा आ जाए, लेकिन बहुत ही अच्छे लोग हैं। किसी से भी आप कुछ भी इंफॉर्मेशन लें, कुछ भी, बिल्कुल ही ना कर्ली प्यार मोहब्बत से बताते हैं, ठीक है, पोलाइटली बताएंगे। और जीप चेक करें आप, मेरान गाड़ी भी आई है, और जिस तरह का ये मेरान गाड़ी, बंदे किधर बैठे हुए थे, शादी का जो हमें इकट्ठा हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग वापस वापसी की तरफ रवाना हो रहे हैं, और हमारा आज स्टे करने का प्रोग्राम है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, सब लोग नाश्ता करने आए हुए हैं, क्या करें। और फिर वापस भी जाने ना है, थले ना जाते, पहुंच गए हैं यार। रात को मुझे भगा रहा था, रात को मैंने जूता पहना हुआ था, मुझे कहता है चलो ना चलो ना चलो ना, और मैं इतनी मुश्किल से चल रहा था। तो अब जब मैंने शूज पहने हैं, ये देखे, तो अब मैं बिल्कुल ना रिलैक्स हूँ और बिल्कुल आराम सुकून से चल रहा हूँ। तो हमजा बस पहुँच गए, बस एक मिनट का और है, थल्ले ही ना कोई दे दे, बाकी खैर है।
ये भाइयों की गाड़ी खराब हो गई है। हमजा आ जा, देखता हूँ मैं जहाँ तुम ही तुम हो। इतनी बकवास सुननी थी लगानी मैंने। हमजा थके तो नहीं हो? मैं क्या करा, थक भी गया थे। ये होती है इंजीर। शुक्र है कुछ तो पता है। ये देखिए फ्रूट शॉप, मिल्क शेक वगैरह, कितनी प्यारी शॉप है। देखें सब लोगों ने अपनी अपनी दुकानें सजाई हुई हैं। ऐसे ही होना चाहिए, अपनी नेचर। मामा नाश्ता करना है। ये चाय चेक करें, तंदूरी चाय मटकी वाली। ये हमने कल टेस्ट की थी। कल बहुत कुछ एंजॉय किया लेकिन वीडियो नहीं बना सका। बैटरी डेड हो गई थी तो घर चार्जिंग लगाया हुआ था, बस ऐसे ही निकले हुए थे। ओए हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान तेरी कुदरत। पहुंच गए हैं यार, एक मिनट चक्कर लगा के वापसी दे। सब लोग जाना में ना, गाला करनी है यार, कुछ के करना है। वो गालें पड़ती रहती हैं। होटल चेक करें आप, कितना खूबसूरत होटल है, तुर्की स्टाइल। वाह कितना प्यारा है, ट्यूबवेल। मैं आपको बता रहा था ना, सब ने अपनी अपनी शॉप खूबसूरत, इतनी खूबसूरत की हुई है। ये होटल भी बहुत प्यारा है। अच्छा इतने भी एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, इतना भी एक्सपेंसिव काम नहीं है। और हाँ, मरी से ज़्यादा यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो चीप प्राइसेस में हैं, ठीक है। मरी की चीज़ें ना डबल ट्रिपल रेट पे होती है, यहाँ पर जो नॉर्मल प्राइस में थी कहीं भी हमें कुछ महंगा नहीं लगा। अच्छा अभी नाश्ता करने का मूड बन गया, इसके ना इससे ना भूख बर्दाश्त नहीं होती। रात को दो बार हम पहले सबवे गए हैं, फिर हम गए हैं उधर कोई कैफ़े था, ठीक है, और सबवे पे ज़रा भी ना मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। और दो घंटे बाद इसको फिर भूख लग गई थी, फिर हम दूसरे कैफ़े में गए थे, वहाँ पे बहुत मज़े का था, सब कुछ फ्रेश था। उधर जिंगर वगैरह ही था लेकिन फास्ट फूड था सब, लेकिन बहुत मज़े का था, फ्रेश था सब कुछ, ठीक है। और मैं उस बंदे की तारीफ भी पर्सनली करके आया हूँ। और व्यू चेक करें ना, आपको समझ नहीं आ रही, देखें मैं नेचुरल वीडियो बना रहा हूँ, कोई फिल्टर वगैरह नहीं है, फिर भी आप देखें क्लाउड्स कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा दस पराठे और एक चने इसने बुलाए मंगवाए। हाँ चाय पी लूँगा, चाय पी लूँगा। ये किसी ने स्टैंड लगाया हुआ है, कोई और भी व्लॉगिंग कर रहा होगा यहाँ पे, और व्लॉगिंग करते करते भूल गया होगा। हमने चुप के ले ना चाहिए हैं, कुछ नहीं होता, किसी ने क्या पता है, वो कुछ नहीं होता। ये देखें उन्होंने उधर भी सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है ताकि लोग इंजॉय करें। उधर जो आबशार बह रही है ना, आए हाँ क्या बात, वो पहाड़ के टॉप पे आप चेक करें कितनी बर्फ है। लोहो जी ये चने हैं और ये पराठा है, सुग्रा मत्ती वाले चने जी। सुग्रा नाश्ता माशाल्लाह से ठीक ठाक कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी जा रहे हैं हम अपनी फैमिली के पास, फिर हम सारा सामान वगैरह उठाएंगे जो जो चीज़ चाहिए हमें, फिर सैफुल मुल्क की तरफ रवाना होंगे। साथ हुआ क्या है, हम बंदे बहुत ज़्यादा थे क्योंकि हमारी सारी फैमिली आई हुई है,
और हमजा की फैमिली, मेरी फैमिली, तो इस वजह से ना हमें 3 जीप करनी पड़ी है। एक और जीप को कॉल करके बुलाई है, वो आ गया, और आप बंदे ना थोड़े से खुले हो के बैठ गए हैं, बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हुए हैं, तो अभी हम लोग निकलने लगे हैं। फोन में स्टेबलाइजर है, इस वजह से आप लोगों को इतने झटकों का अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, लेकिन मेरा एक शोल्डर फर्क हो चुका है। सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ये झटके बर्दाश्त कर रहा हूँ, समझ आई है? नहीं तो मैंने दरमियान में बैठ जाना था। काफी ज्यादा हाइट पे जाना है तो इस वजह से गाड़ियाँ नहीं जाती, स्पेशल जीप्स बनी हुई हैं, सब उसी में जाते हैं। हाँ आगे गाड़ियाँ आती, गाड़ियाँ आ रही थी, चढ़ाई पे जो जा रहा होता है ना वो जाता है, जो आ रहा होता है वो नहीं आता, जो जा रहा होता है वो जा रहा होता है, जो आ रहा होता है वो आ रहा होता है। हुआ ये था कि गाड़ी हम चढ़ाई पे था ना, तो गाड़ी जोर लगता है ना बहुत, तो आगे से गाड़ियाँ आ रही थी, भाई कहता है हम जोर से आ रहे हैं तो तुम्हारा काम बनता है साइड पे होना। असूलन बात भी यही है, जो नीचे से आ रहा हो ना उसको रास्ता पहले ही दे देना चाहिए, पहले से ही हमें देख रहा था तो उसका काम बनता था थोड़ा सा साइड पे हो जाए। खैर छोड़ो, असी कड़ा ट्रैफिक वाले ना लगे रहे हैं। Don't ever change for anybody, don't ever trade your soul, don't even listen to him, he don't know nothing at all, try not to get too involved, but really it's breaking my heart, how you keep changing for him, never forget who you are, you're a butterfly, butterfly, wingspan just let it fly, butterfly, butterfly, what is life without brightness, be alive. You were never quiet, never so shy. Now you're so serious all of the time. Show me that smile, it's not too late to reinvent yourself. Ooh. Bust out your cocoon, spray on your perfume, and go enjoy your new point of view. There's no way you can lose, the world works for you. Down the show. Chalo ji, alhamdulillah. ये बाइक की गाड़ी का नंबर था, ये 7 वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे भी याद रहे। जन्नत नज़ीर में ये मेरे पापा भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, चेक करें, हाय हाय क्या बात है माशाल्लाह। हमारी 2 जीप्स पहुँच गई हैं, एक वो है और एक ये है, और तीसरी जीप का अभी पता नहीं है, वो पीछे ही होगी। चले भाई आपके साथ मोबाइल है ना, मेरे पास है। अंदरू बिचू वैसे आपस ही गल है, अर्थ होया समय लेकिन कोई नहीं, इन्होंने अपने साथ ना अटैच किए होते हैं, टेम किए होते हैं, तो इसलिए डरने वाली बात नहीं थी। अच्छा फैमिली मेरी जो है ना वो बोटिंग के लिए गई है, लेकिन मुझे ना हॉर्स राइडिंग का शौक चढ़ा हुआ था, फिर मैं इसलिए हॉर्स राइडिंग की तरफ आ गया था। वो तो बोर्ड लेके अपनी पता नहीं किधर निकल गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। हमजा को भी बोला था, हमजा कहता मैंने नहीं राइड करनी, तो वो घोड़ा चलेगा नहीं है, वेट मेरा ज़्यादा निजी नहीं है भाई है, इसने कैमरा मैनिंग कर रहा है ना, ये मेरी वीडियो बना रहा था, इसलिए मेरे लिए इसने अपनी कुर्बानी दी है। और टेम्परेचर इधर इतना ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, अच्छा टेम्परेचर है, कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग। नज़ारे चेक करें,
वैसे मैं कभी आउटिंग के लिए इतनी दूर आया नहीं हूँ, तो क्या नाम है, ऐसे इस दफ़ा मेरी फैमिली भी आ गई है तो इसलिए मैं आ गया हूँ। वैसे मुझे इतना है नहीं था क्रेज़, लेकिन जब इधर आया हूँ ना फिर पता चला बंदे को ना एक दफ़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए बोटिंग का भी और घूमने शुमने का भी। तो अभी कोशिश करते हैं बोटिंग के लिए। अमजा दिल तो नहीं है मेरा, क्योंकि या गाल सुनना, गाल सुन खाली ऐसी तो जा सकते फैमिली साड़ी गई है उधर उधर गई है फैमिली साड़ी। वो बर्फ की तरफ जाना है। 3000 पैसे बहुत ज्यादा थे। वो कॉर्नर पे जाना था, 3000 थे और हमारी पॉकेट अभी जवाब नहीं दे रही, तो इसलिए ना हम अपनी फैमिली का वेट करेंगे, वो आएंगे उनसे पैसे ना थोड़े से पीक मांग के लेंगे फिर उसके बाद चलेंगे। बहुत मिस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी जो पर्सनल फैमिली है ना, यानी कि मेरा बेटा माशाल्लाह से और वाइफ को मिस कर रहा हूँ, और मेरे कज़न्स जो हैं नहीं आ सके, नबील, दानी, मुनीब, फाइक, मोहसन भी मेरा भाई नहीं आया, उसको भी मैंने बहुत मिस किया है। और इंशाल्लाह उसके साथ प्लान बनाएंगे, ज़रूर आएंगे और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सबको लेके आएंगे। और हॉर्स राइडिंग का पूछो ही मत, जब उसने दौड़ाया ना थोड़ा सा मेरी सांस थोड़ी सी रुक गई थी, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो ऐसी फीलिंग आ ही जाती है। हमजा साहब वेट कर रहे हैं, फैमिली गई हुई है तो वो आएगी, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। हमने उस साइड पे जाना था ग्लेशियर के पास, ग्लेशियर पबजी याद आ गई, उस साइड पे जाना था, लेकिन फैमिली हमारी बोट पे ना वापस इस साइड पे आ रही है जिधर हम पहले थे, तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं। ये ना हम उधर पहुंच जाए और ये इधर आ जाए। हम जो है साथ कर रहे हैं, एरो क्या कहते हैं इसको यार, अनुकी आते हो यार, कहते हैं अब्दुल इसको, आ रहा ना निकल जाते हैं। ये दस थैंक यू सर, तेरी वाली कैंसिल हो गई है। वो उधर ही लगा था, लगा था। आपने क्या रखा हुआ है उधर? फोम है, सब फोम है। तीन आ गई हैं, दो रह गए। अभी बच्चा ब्रेन कहाँ गया? टेपा लाने वाला काम कर रहा है, तो लगती नहीं बस सही नहीं जाती है। मैं अपने लग के जाएगा वो छे करने नहीं हूँ, छेवी शॉट खेड़ी है ना, हाँ लास्ट है। अदर हो जाए यार, ऐवी स्लिप होगी ना, और जियो वेल ट्राई, फर्स्ट ट्राई वेल ट्राई। ओ शेर पकड़ी, तकी बंदा ना मार छोड़ी। ओलंपिक्स विच ट्राई कर, फॉर्म फिल, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दे।
ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਝਾੜ ਬੰਦਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਸ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸਨਾ ਤੇਰਾ ਜਿਸ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਟ ਉਧਰ ਲੱਗਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੇੜਾ ਕੀਤੇ ਆ ਐਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਟੇੜਾ ਕੀਤੇ ਆ ਦੋ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋ ਉਸਨੇ ਕੀਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਐ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਓਏ ਮੋਟਿਆ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਡਿੰਗਾ ਤੂੰ ਦੂਸਰਾ ਲਿਆਓ ਲਿਆ ਹੀ ਕੋ ਹਾਂ ਦਿਓ 60 ਹੋਣਾ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਦੇ ਯਾਰ फ्री चलो सही है 300 तो फ्री जो आए कोई कह रहा था इधर पत्थर भी आप खा सकते हैं वो भी बड़े टेस्टी होते हैं देखते हैं पत्थर भी खा के चेक करते हैं ये दो पत्थर पड़े हुए हैं देखते हैं ये खा के देखते हैं आपको ये पत्थर खा के चेक करते हैं कैसा बहुत हार्ड है वाकई दूसरा भी ट्राई करना चाहिए सच में टेस्टी है ये तो वाह इस टेस्ट लाइक चॉकलेट मुझे लगता है त्रोड़ा ले आओ जीप वाले भाई ने हमें टाइम दिया था तकरीबन एक घंटे डेढ़ घंटे का कम से कम तो हम यहाँ पर आए थे 3 बजे तो इस वक्त टाइम हुआ है 4:30 और लेकिन अभी हम थोड़ा सा रुकेंगे इधर थोड़ा सा उसको बोलेंगे कंप्रोमाइज़ कर लो देखते हैं क्या करता है नहीं तो एक्स्ट्रा चार्जेस दे देंगे जाना तो पड़ेगा जाना पड़ेगा मेरे को जाना पड़ेगा मेरे को जा फिर से हम हाइट की तरफ जा रहे हैं और ये देखें हाइट पर जाते हुए थोड़ी सी मौत पड़ती है नीचे जाना आसान है ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है अंदर नज़र आ गई नहीं किधर नहीं ऊपर कन्फर्म हो गया ऊपर सही है आज का ब्लॉग बस इतना ही था चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना बेल आइकन से आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी ओके अल्लाह हाफिज़